रास्ता देख सकते हो भाई कैसा है, जैसे तैसे करके आप ये क्रॉस करोगे, फिर देखो वाटर क्रॉसिंग, बहुत खतरनाक रास्ता भाई। आराम से श्रीखंड कैलाश यात्रा की 35 किलोमीटर की चढ़ाई है, जिसमें से 15 किलोमीटर चलने के बाद आप दातुड़ पहुंच जाते हो, जो कि पहला पॉइंट है। यहाँ पर श्रीखंड कैलाश पर्वत के दर्शन हो जाते हैं, बहुत सारे भगत जो परेशान हो जाते हैं वो यहीं से दर्शन करके वापस नीचे चले जाते हैं। दूसरा पड़ाव है पार्वती बाग, वहाँ से आप और नज़दीक से भोले बाबा के दर्शन हो जाएंगे, बहुत सारे लोग वहाँ से दर्शन करके वापस चले जाते हैं। और लास्ट में कुछ गिने चुने भगत लास्ट तक पहुँचते हैं और श्रीखंड कैलाश पर्वत के दर्शन करते हैं। चढ़ाई खड़ी है, बढ़िया है, व्यू जबरदस्त है, खतरनाक है। अब जितनी आगे चलते जाओगे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। ऐसा कुछ रास्ता भाई, ऊपर से भी बोले आने लग रहे, देख लो चढ़ाई का आइडिया लगा लो कितनी है। एक पहाड़ी के टॉप पे चढ़ते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो एक पहाड़ी के टॉप पे चढ़े हैं और दूसरी पहाड़ी वेट कर रही होती है। अब उस पर जहाँ पे वो टेंट दिख रहा ना, मतलब ये पहाड़ी चढ़नी है। क्या खूबसूरत रास्ते हैं, हर हर महादेव। बस यहाँ से एक पहाड़ी दिखेगी, वो वहां से अगली पहाड़ी दिखेगी। दो तीन पहाड़ी चढ़ने के बाद मैं सोचा अब तो बस आने वाला है, होने वाला है, लेकिन यहाँ से तो कहानी शुरू होती है मेरे भाई। एक बार आपको पीछे का भी दिखाता हूँ, जबरदस्त खड़ी चढ़ा भाई, जबरदस्त। देखो यहाँ से बंदा जा रहा, वहाँ से ऐसे 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 बिल्कुल टॉप में जाना है। इसके बाद का भी पता नहीं कितनी चढ़ाई और होगी, लेकिन यहाँ से पहले एक पहाड़ी दिख रही थी, यहाँ से दो तीन पहाड़ी दिख गई। रास्ता कुछ ऐसा है और चारों तरफ का व्यू। लो भाई ऑलमोस्ट काली टॉप पहुंच चुके हैं। जो पीछे का पॉइंट दिख रहा है वो काली टॉप है, जो नीचे से लगभग 12-17-18 किलोमीटर पड़ता है, जिसमें से पहले 3 किलोमीटर सिंगाड़ तक थोड़ी सी चढ़ाई, थोड़ी सी ढलाना है, उसके बाद 12 किलोमीटर तक धाचुड़ू तक बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, और उसके बाद 2-3 किलोमीटर ये है, ये भी पूरी खड़ी चढ़ाई है। एक बार चारों तरफ का व्यू देखो भाई साहब, खतरनाक व्यू देखो। ये लास्ट की कुछ खड़ी चढ़ाई है थोड़ी सी, अभी वहां तक जाना है, वहां पे शायद खत्म हो जाएगी, शायद कंफर्म नहीं है, उसके बाद बता रहे हैं थोड़ा सा ढलाने से है और फिर आगे पार्वती बाग है जो, उसके आसपास चढ़ाई मिलेगी। लो भाई काली टॉप पहुंच चुके हैं, बड़ी मुश्किल से पहुंचे यार, बड़ी खतरनाक चढ़ाई थी। व्यू कुछ ऐसा, एक बार व्यू देखो, एक ढाबा वहाँ पे है और एक आगे इस तरफ है, ये मान लो टॉप पॉइंट है, ये काली टॉप बोलते हैं जिसको। एक दो ढाबा ये इस तरफ है यार, बड़ी मुश्किल से। ये आपको जलेबी वलेबी बिस्किट बिस्किट मिल जाएंगे। लो भाई चोटी से नीचे वापस उतरना स्टार्ट कर दिया है, अभी यहाँ से बता रहे हैं 1.5 किलोमीटर तक बिल्कुल ढलान है, बिल्कुल ढलान। एक बार थोड़ा सा आप लोगों को व्यू दिखा देता हूँ और पॉइंट दिखा देता हूँ जो जो दिख रहे हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से ऐसे ढलान पर उतरना है और जो पॉइंट पर दिख रहा वहाँ पर पहुँचना है, वहाँ तक बिल्कुल ढलान है। उसके बाद हमें वहाँ से ऐसे वहाँ पहुँचना है, उसके बाद वहाँ पहुँचना है, और उसके बाद ऊपर है। तो इनमें से एक पॉइंट ये है, एक वो है, वो भीमद्वारी है जहाँ पर आज पहुँचने की कोशिश करेंगे। उससे आगे वो जो लास्ट पॉइंट दिख रहा है बिल्कुल लास्ट में, वहाँ पे है पार्वती बाग, वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर एक भाई था, उसने बताया था रेनकोट बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी। आगे ऐसे ऐसे वाटर क्रॉसिंग आ रही है, अगर आप वहाँ कुछ सेकेंड खड़े रह गए ना तो आपको नीचे फेंक देगा, अभी बताया भाई ने। तो देखते हैं आगे
और थोड़ी थोड़ी देर में बारिश आने लग जाएगी। अभी तो धूप है और ये भाई बता रहा कि आज आपको मौसम बिल्कुल साफ मिला नहीं, तो पिछले दो तीन दिन से हमें बहुत ज़्यादा बारिश मिल रही थी। तो देखते हैं, इनको देख देख के चढ़ रहे हैं कि ये जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। आराम से हाथ बैठ जाए, आराम से हाथ लगा ले इनसे। बोले बाबा के भगत देखो कैसे उतर रहे हैं वहां से। और भाई वैसे बापू ने बुलाया ऊपर, जाएंगे बोले टेढ़ा रखो, बोले टेढ़ा पैर को जय। हाँ ऐसे ऐसे रखो, ऐसे ऐसे रखो, टेढ़ा रखो, बस टेढ़ा रखो। जहाँ पे भी जगह लिखे ना, जिस भी जगह में घुसे, पैर को घुसा, पंजा घुसा या फिर टेढ़ा घुसा, हाँ बस पैर फसना चाहिए। पहला चंगी तरह एक पैर फाज में, फिर दूसरा था यार। रख ले प्यार से, आ जा मेरे साथ में, चले हो यार, आ जा मेरे साथ। ये बारिश हो ना, राम का बात हो रहा है, अजमा के देखना। बस पैर एक बार जमना चाहिए। लो भाई एक घंटा रेस्ट करने के बाद दोबारा से चल पड़े हैं, और दो डंग चलते ही यहाँ पर मिल गया हमें फिर से लंगर। अब कुछ मिनट यहाँ पे फिर से रेस्ट होगा और लंगर चखेंगे, फिर निकलेंगे आगे। जब आपके शूज वाटरप्रूफ हो ना, तब आप ऐसे निकल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो शिव का ध्यान लगाते हैं, जो शिव की कृपा पाते हैं, जो शिव पर जल चढ़ाते हैं, जो शिव की मुक्ति पाते हैं, जो शिव पर जल चढ़ाते हैं, वो शिव की मुक्ति पाते हैं। अभी हमें वहाँ से उस पहाड़ पे जाना, वहाँ पे तो इसके लिए थोड़ी सी पहले ढलान, फिर थोड़ी सी हाइट, फिर ढलान, कुछ ऐसे करके लेके जाएंगे। रास्ता देख सकते हो भाई कैसा है, ऐसे क्रॉस करके आना पड़ता है। जय श्री शंभू, जय भोले शंकर। जो रियल ट्रैक कहते हैं ना, वो है भाई साहब ये रियल ट्रैक। जंगल के रास्तों से गुजरोगे, झरने वाटरफॉल को क्रॉस करोगे, पानी से निकलोगे, कुछ पाइप उनके नीचे से निकलोगे, फुल ऑन एडवेंचर यार। व्यू देखो चारों तरफ का, अभी जो आ रहे हैं रास्ते से। ऊपर का देखो फोगा हुआ बिल्कुल। अब यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, फिर नीचे उतरेंगे, फिर वहाँ से वो पहाड़ क्रॉस करना है। एक और वाटरफॉल आ गया देखो, अभी एक हाइट पे हैं, यहाँ से नीचे उतरेंगे, फिर यहाँ से वहाँ ऐसे 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 करके और उस पहाड़ी पे चढ़ेंगे, और वहाँ ज़बरदस्त वाटर क्रॉसिंग मिलेगी भाई। व्लॉग बनाते होंगे आप? हाँ भाई। किस चैनल पे? देसी यात्री विकास।
देसी यात्री विकास, कहाँ से हो? हरियाणा से। चारों तरफ कोरा ही कोरा, 200 रुपए ले दो, नीचे उतार दो। जय बोलेगी, जय बोलेगी। जैसे तैसे करके आप ये क्रॉस करोगे, फिर देखो वाटर क्रॉसिंग। अभी रोड देखो कैसा फिसलने वाला। पहले एक बार नीचे ढलान देखो कितनी है, और फिर उसके बाद वहाँ पे सामने ग्लेशियर आप लोगों को अच्छे से दिख नहीं होगा, वहाँ पे जाके दिखाता हूँ। एक बार पहले नीचे उतर जाते हैं, जैसे एक बाइक ऐसे उतर रहा है, फिसलने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर है। अभी सामने आप ग्लेशियर देख रहे हो, और वहाँ पर जाने के लिए रास्ता देखो कुछ कैसा है। बिल्कुल ना के बराबर रास्ता है, पहले यहाँ से नीचे उतरता हूँ। और अभी ये ग्लेशियर क्रॉस करना है, तो उसके लिए रास्ता यहाँ से बीच से, जैसे वहाँ से वहाँ आ रहा ना, वहाँ पे देख सकते हो रास्ता कैसा है, बहुत खतरनाक रास्ता भाई। और यहाँ पे बाव देख सकते हो आप कितना है। लो जी ऊपर से चढ़ाई देख सकते हो आप, बिल्कुल खतरनाक चढ़ाई है। और ऐसे ही आप नीचे जाओगे ना, सेम आपको नीचे देखने को मिलेगी। देखो ऐसे रास्ता उतरने का, इसकी बैटरी बैकअप कितनी होती है? आधा घंटा लगातार चार्जर है, दो बैटरी एक्स्ट्रा है, दो पावर बैंक है, यात्रा पूरी चलेगी। रास्ता देख सकते हो भाई कितना खतरनाक है। और सेमे से ऊपर वहाँ पे है आने का, देखियो बिल्कुल खतरनाक है, बिल्कुल खड़ा भाई साहब व्यू देखते हो, वहाँ से ऐसे 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 वहाँ पे जाना है। रास्ता देखो भाई, और ये ऐसे ही रास्ता लास्ट तक जाएगा वहां पे, वहां तो ऊपर चढ़ाई पे चढ़ना है उस पहाड़ के पीछे। एक और वाटर क्रॉसिंग आगी भाई, जैसा कि आप सामने देख रहे हो, और वहां पे उतरने का रास्ता ही खतरनाक है भाई, वाटर क्रॉसिंग तो बाद की बात है।
जो थी बच गया। ध्यान से जोक है यहाँ पे, पत्थर को हाथ मत लगाइयो। जोक है जोक ना, जोक है जोक, चिपट जाएगी, काट लेगी। एक मिनट बोले ले बोले। अभी की वाटर पहले वहां उतरने का रास्ता देखो, कैसा रास्ता उतरने के लिए, बड़ा खतरनाक रास्ता भाई। आराम से लो भाई, चोटी पे पहुंच चुका हूं और अंधेरा हो गया है। एक बार थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं आपको। ये ऊपर चोटी पे हूं बिल्कुल, और नीचे से एक भाई वहां पे आने लग रहा है, एक वहां से, एक वहां से। और अभी हमें यहां से नीचे उतर के फिर वापस उस पहाड़ी पे चढ़ना है, और उसके पीछे कहीं रास्ता है, दिख तो है नहीं रहा लेकिन आइडिया लगा रही क्योंकि तरफ से रास्ता बंद है तो उसी तरफ होगा। डायरेक्ट आपको कैंप में जाके बात करेंगे क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखेगा तो